बी ए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस में आज हम आपको जो मूल अधिकार हमने बताए थे उनका जो शेष भाग रह रहा है उसको बता रहे हैं। आज हम ये भी बताएंगे कि मूल अधिकारों का अपने जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तत्व हैं, उनसे क्या संबंध रहा है। मूल अधिकार, जैसा कि आपको बताया गया था, मूल अधिकार भारतीय संविधान का एक आवश्यक अंग है और संविधान के भाग तीन में इनका वर्णन है। मूल अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी हैं और ये एक तरीका से हमारे नीति निर्देशक तत्वों से भी जुड़े हुए हैं, संबंध है इनका नीति निर्देशक तत्वों से भी संबंध बना हुआ है। तो मूल अधिकार कितने हैं ये तो हमने जान लिया है, आज हम ये बता रहे हैं कि मूल अधिकारों का मानव जीवन में क्या महत्व रहा है। मूल अधिकार जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, इनके बिना व्यक्ति का कोई भी विकास या सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, ये चीज हम अच्छी तरीका से जानते हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। तो मौलिक अधिकार जो कि आवश्यक हैं, जरूरी हैं, लोक कल्याणकारी हैं और व्यक्ति के विकास से जुड़े हुए हैं, इन मूल अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान में है। उसी प्रकार से जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका वर्णन भी हमारे संविधान में है, लेकिन मूल अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में कुछ अंतर भी बनते हैं। जहां हमने देखा कि मूल अधिकार हमारे संविधान में भाग तीन में वर्णित हैं, वो भाग तीन में वर्णित हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान के भाग चार में वर्णित हैं। तो मूल अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में एक अंतर तो क्या बनता है कि एक का वर्णन तो संविधान के भाग तीन में है और नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है वो संविधान के भाग चार में है। तो एक तो इसमें संवैधानिक दृष्टि से अंतर ये बन जाता है, दूसरा अंतर ये बनता है जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। एक अंतर, अगला अंतर यदि हम देखें तो क्या बनता है, मूल अधिकारों का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है और नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। तो एक अंतर यहां भी बन जाता है कि मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक और नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित हैं। अगला अंतर जो बनता है यह है कि मूल अधिकार हमारे लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। दोबारा सुने, मूल अधिकार जो है वो हमारे यो मान करके चले राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक है। कौन से लोकतंत्र का, राजनीतिक लोकतंत्र का प्रतीक बने हुए हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का प्रतीक है। कौन से, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का प्रतीक है। तो एक अंतर यह बन जाता है कि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं और नीति निर्देशक तत्व आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं। एक अंतर यह बनता है कि मूल अधिकारों का यदि हनन होता है, छीने जाते हैं, तो व्यक्ति इनकी सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है और न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लेख जारी करती है। लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है या नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप सरकार काम नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि नीति निर्देशक तत्वों का खंडन होता है, हनन होता है, तो न्यायालय की शरण व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो मूल अधिकारों की स्थिति में तो व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है और नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। तो क्या अंतर बन जाता है कि मूल अधिकारों को एक तरीका से हमारी न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त नहीं है। एक अंतर ये बनता है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर एक तरीका से दंड की व्यवस्था की गई है और नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर या इसकी स्थापना न होने पर कोई दंड की व्यवस्था नहीं है। एक अंतर यह बनता है कि नीति निर्देशक तत्व की स्थिति की हम बात करें
तो नीति निर्देशक तत्व तो लोक कल्याण के प्रतीक हैं, इसके प्रतीक हैं, लोक कल्याण के प्रतीक हैं, एक तरीका से जन कल्याण के प्रतीक हैं, और जो मूल अधिकार हैं वो एक तरीका से किसके प्रतीक हैं, वो राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो उनका संबंध एक तरीका से किससे है, राजनीतिक लोकतंत्र से है, और इनका संबंध जो है वो नीति निर्देशक तत्व जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, लोक कल्याण की धारणा से या लोक कल्याण की भावना से जुड़े हुए हैं। तो इनमें कई सारे अंतर जो बन रहे हैं वो इसी प्रकार से बन रहे हैं कि मूल अधिकार एक तरीका से बाद योग्य हैं। एक महत्वपूर्ण जो अंतर बनता है वो ये बनता है कि मूल अधिकार बाद योग्य हैं, बाद योग्य हैं, और नीति निर्देशक तत्व बाद योग्य नहीं है, बाद योग्य नहीं है। इस लाइन का क्या मतलब हो जाता है कि मूल अधिकारों का हनन होगा तो व्यक्ति क्या है कि न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय में जाएगा तो वहां उन पर वाद चलेगा यानी कोई मुकदमा चल सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का हनन होगा तो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है और ना ही न्यायपालिका इन पर कोई वाद दायर कर सकती है या इन पर कोई वाद या मुकदमा नहीं चल पाता है। तो ये अंतर क्या बन जाता है कि जहाँ मूल अधिकार जो हैं वो बाद योग्य हैं, वही नीति निर्देशक तत्व बाद योग्य नहीं हैं। तो ये महत्वपूर्ण अंतर बनता है। तो कई अंतर हो गए, एक अंतर तो ये हो गया कि मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। एक अंतर ये बन जाता है कि मूल अधिकार भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है। एक अंतर ये बनता है कि मूल अधिकार जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं और नीति निर्देशक तत्व वो आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। एक अंतर ये बनता है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति क्या है कि कोर्ट में जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता है। तो इस आधार पर क्या बात आती है सामने कि मूल अधिकार बाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व बाद योग्य नहीं हैं। मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए तो न्यायपालिका लेख भी जारी करती है, जैसे कि आपको बताया गया था 5 तरीका के लेख जारी किए जाते हैं, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख, पंथी प्रत्यक्षकरण और अधिकार प्रच्छा। तो ये 5 लेख मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही जारी किए जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई लेख नीति निर्देशक तत्वों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं। तो न्यायपालिका इसके लिए क्या है, कोई लेख जारी नहीं करती है, ना कोई मुकदमा इसमें चलाया जा सकता है। ये तो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे या नहीं करे। नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, जहां मूल अधिकार बाध्यकारी है वही नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। ये तो सरकार को दिए जाने वाले क्या है, निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं। इसके लिए ये बात सामने आती है कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों का पालन कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो सरकार बाध्यकारी नहीं है, जहां मूल अधिकारों में बाध्यता है वहां ऐसी कोई बाध्यता नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई नहीं देती है। तो ये अंतर महत्वपूर्ण अंतर की बात होगी। यहाँ पर कुछ महत्व की भी बात करते हैं कि मूल अधिकारों का महत्व बना हुआ है, मूल अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास नहीं होता है, मूल अधिकार आवश्यक होते हैं, स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, हमारे विकास के लिए जरूरी है, समानता की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है, देश के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, ये हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक माने जाते हैं एक तरीका से। तो मूल अधिकार काफी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों के रहते हुए ये मान करके चला जाता है कि जनता एक तरीका से सुखी है, संपन्न है, अधिकारों से जुड़ी हुई है। तो मूल अधिकार जरूरी है, मूल अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास नहीं होता है। ये व्यक्ति के एक तरीका से यूं मानो राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक बन जाते हैं, जरूरी हैं, आवश्यक हैं, क्योंकि इन अधिकारों को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने भारत के लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, और लंबे संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली। तो उस संघर्ष का एक उद्देश्य ये भी था कि हम अपने अधिकारों को प्राप्त करें, क्योंकि जो अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए थे हम उन अधिकारों को पाना चाहते थे। तो उन अधिकारों में अपने मौलिक अधिकार भी थे। तो
तो मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों की जो मांग उठी थी वो 1895 में उठी थी। 1895 में एक नाम आता है यहाँ पर तिलक, तिलक का मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में अपना एक जो स्वराज्य विधेयक था उस स्वराज्य विधेयक में मूल अधिकारों की मांग रखी। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग रखने वाला जो व्यक्ति रहा था वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे और 1895 के स्वराज्य विधेयक में इसकी मांग रखी गई थी। बाद में जब संविधान बना था तो उस समय संविधान में अपने क्या है मूल अधिकारों का समावेश किया गया है और इनका जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ हमने मूल अधिकारों के और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध को जाना है। दोनों घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से पूरक हैं, एक तरीका से आवश्यक है। सरकार के लिए दिशा निर्देश है कि सरकार लोक कल्याण की भावना को अपनाए, नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का पालन करें। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो यहाँ हमने अंतर भी देखा है और दूसरी बात यहाँ ये भी आ रही है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे। तो निर्देश की बात आ रही है तो यहाँ जैसे हम बात करें कि जैसे अपना कोई निर्देश है, सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो ऐसा कार्य करे जो लोक कल्याण से जुड़े हो, जैसे महिलाओं के हितों की सुरक्षा करना है, बच्चों के और जो वृद्ध हैं उनके लिए जन कल्याणकारी योजना लाना है। तो ये क्या है, निर्देश है। सरकार का ये निर्देश बन रहा है कि सरकार को निर्देश दिया जा रहा है कि मान के चलें सरकार जैसे गो हत्या पर प्रतिबंध लगाए, कृषि के विकास की योजना लाए। तो ये सब क्या है, निर्देश है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, कृषि का विकास करना चाहिए, एक तरीका से यूं कहें कि ग्रामों का विकास होना चाहिए। जैसे कि अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है कि ग्रामों का विकास किया जाना चाहिए और पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, निर्देश है। अब सरकार उन निर्देशों के अनुरूप कानून भी बना सकती है। जैसे कि शिक्षा से जुड़ा हुआ ये कानून बनाया गया था 2009 के अंदर, ये कानून बना था और 1 अक्टूबर 1 अप्रैल 2010 से लागू भी हो गया था कि शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बना दिया गया है। तो ये क्या है, एक तरीका से नीति निर्देशक तत्व जो पहले था नीति निर्देशक तत्व, अब वो किस में बदल गया, मूल अधिकार में बदल गया। तो यहाँ मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या है, संबंध बना हुआ है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो यहाँ अपना यह अध्याय पूरा होता है मूल अधिकार का और नीति निर्देशक तत्वों से इनका क्या संबंध रहा है।